दीव माँ एसपी पीयूष फूल जेले साहेब नी बदली थता भव्य विदाई सम्मान समारोह दीव पोलिस विभाग द्वारा योजायो। दीवना एसपी तरीके पीयूष फूल जेले साहेब कार्यरत हता। तेमनी बदली लद्दाख थता आजे मलाला ऑडिटोरियम मा तेमना माटे भव्य विदाई कार्यक्रम योजायो, जेमा एसडीपीओ राहुल साहेब, आईआरबी असिस्टंट कमांडेंट सलीम साहेबे एसपी पीयूष फूल जेले साहेब नु पुष्पगोती स्वागत कर्यो। त्यारबाद एसडीपीओ अने असिस्टंट कमांडेंट साहेबे एसपी साहेबनी काम करवानी कार्यशैली, सूझबूझ अने काबिलियतनी प्रशंसा करी। एसपी साहेबे आ सम्मान बदल दरेकनो आभार मान्यो अने एसपी साहेबे जणाव्यु के पोलीसनी कामगीरी केवी होवी जोईए तेनु मार्गदर्शन आप्यु अने खास करीने दीवमां करेल 13 महिनानी ड्यूटीमां दरेक पोलीस कर्मीओना साथ सहकारनो हृदयपूर्वक आभार मान्यो। त्यारबाद एसपी साहेबने गाड़ीमां बेसाडी अने पोलीस विभागमां जे रीते દોરડાથી ખેંચીને ભવ્ય માન સન્માન આપવામાં આવે છે તેવી વિદાય આપી। એસપી પિયુષ ફૂલ જેલે સાહેબે દીવમાં 13 માસની ફરજ ઈમાનદારી અને કર્તવ્ય નિષ્ઠાથી બજાવી। તેમના સમયકાળમાં લોકસભા ઇલેક્શન, બીચ ગેમ્સ અને વીવીઆઈપી વિઝિટ થઈ। આ ડ્યુટી બખૂબી ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક નિભાવી અને તે બદલ એસપી સાહેબની દમણ દીવ પ્રશાસન દ્વારા પ્રશંસા પણ થઈ। આ વિદાય સમારોહ પ્રસંગે પીઆઈ રમેશ ગાવિત સાહેબ, એસએચઓ બ્રેન્ડન આઝવેદો સાહેબ, આઈઆરબીએન પીઆઈ નૂર મોહમ્મદ સાહેબ અને એએસઆઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલો, હોમગાર્ડ અને આઈઆરબીએનના જવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા। યહાં પર ઉપસ્થિત એસપી દીવ શ્રીમાન પિયુષ ફજલે સાહેબ, એસડીપીઓ દીવ એવં ઇન્ચાર્જ એસપી દીવ શ્રીમાન રાહુલ બલારા સાહેબ, આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ આઈઆરબીએન શ્રીમાન સલીમ સાહેબ ઓર યહાં પર ઉપસ્થિત પોલીસ એવં આઈઆરબીએન કે ઇન્સ્પેક્ટર, સબ ઇન્સ્પેક્ટર્સ, એએસઆઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલ્સ, કોન્સ્ટેબલ્સ, હોમગાર્ડ કે ભાઈઓ બહેનો તથા દીવ કે મીડિયા કર્મી, આપ સભી કા इस मलाला ऑडिटोरियम में हार्दिक स्वागत है। एसपी सर का दादरा नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख ट्रांसफर हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में उनका ये हमने फेयरवेल रखा है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले मैं एसडीपीओ सर से अनुरोध करूँगा कि वो एसपी सर का बुके देके स्वागत करेंगे। जय हिंद सर, विद योर परमिशन आई लाइक टू स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल। आप सबको पता है कि सर का ट्रांसफर हुआ है लद्दाख के लिए। इससे पहले भी सर ने दूसरी पोस्टिंग्स करी हैं नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में, फिर यहाँ। तो सर का एक्सपीरियंस जो है बहुत वाइड रहा है पुलिसिंग को लेके, अलग टाइप के प्लेसेस को लेके, वहाँ की पुलिसिंग को लेके। और सर का एक्सपीरियंस आपने देखा भी होगा यहाँ की पुलिसिंग में कि कितना डिफरेंट रहा होगा बाकी एसपी से। और क्योंकि मैं तो सबसे लेट आया हूँ और सबसे फ्यूअर डेज आई वर्क अंडर द सर, तो आई होप कि आप सबको मेरे से ज़्यादा सबका वर्किंग स्टाइल देखने को मिला और उनका आपको समझ में आया होगा उनकी कैसे पुलिसिंग रहती है। लेकिन जितना मैं सीख पाया सर से एक वीआईपी विजिट में, तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ही नया रहा। मैंने देखा कि सर कैसे एक पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर भी कर रहे हैं और कैसे एक छोटे स्केल पर भी हर छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन सर खुद दौड़ के पायलट कार में बैठ के गाइड कर रहे थे कार गेट को। तो एक सीनियर ऑफिसर के लिए ऐसा करना हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए कि हमें कैसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो ये सारे इन्फ्लुएंस जो सर से आपको सीखने को मिलते हैं, मैं यही मानता हूँ कि आप सबको भी अपनी वर्किंग स्टाइल के अंदर लेके आना चाहिए। और सर ने जैसे डिसिप्लिन में रखा फोर्स को, कुछ हार्श डिसीजंस भी लिए हैं, वो सब आपको एक सीखने का, एक अपनी ड्यूटी की तरफ एक नया आपको एक नज़रिया देता है। आप सबको ड्यूटी कैसे करनी है ये सब सीखने के लिए सर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और सर ने जैसे ये नहीं कि सिर्फ हार्श डिसीजंस लिए हों,
मैंने जितनी भी फाइल्स देखी हैं, सर ने वेलफेयर के लिए बहुत किया है। सारे सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए कभी कोई सैलरी से इश्यूज होते हैं, कोई लीव से इश्यूज होते हैं, वो तो सर ने एकदम प्रॉम्प्टली सारे वो रिजॉल्व करवाए हैं। तो एक ऐसे ऑफिसर जो ना छोटे से बड़े स्केल तक काम करना जिनको पता हो, जो हार्श डिसीजन भी ले सकते हो, जो आपके लिए वेलफेयर के भी काम कर सकते हो, ऐसे डिसीजन आप, ऐसे सीनियर ऑफिसर्स आपको हर बार देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सर का फिर से पोस्टिंग यहाँ आए, एक बार फिर से DIG रैंक पर सर आए, एक बार फिर से ये एक्सपीरियंस हम सबको मिल सके। और आई थिंक कि गाइड साहब और नंदन साहब, बाकी सब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं जो यहाँ रहे हैं, जिन्होंने सर के साथ काम किया है, तो उनके पास मेरे से ज़्यादा बोलने को होगा इन सब बातों के ऊपर। थैंक यू। अब मैं आयरबन असिस्टेंट कमांडर श्रीमान सलीम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहेंगे। रेस्पेक्टेड SP सर, SDPO सर एंड माई डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हमारी बीच से हमारी SP सर ट्रांसफर होके जा रहा है। ये खाली पुलिस फोर्स के लिए नहीं है, पूरी IRB के लिए दुख की बात है, क्योंकि मैंने सर के साथ सिलवासा से दमन में जब सब SP सर रहे हेडक्वार्टर SP, तो उस टाइम से सर के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी VVIP ड्यूटीज मिलता था सर का और मेरा, इंस्पेक्टर नूर साहब का, हमारा कॉम्बिनेशन हर VVIP विजिट में हम तीनों की एक साथ एक ही जगह पे, हमारी सुपरविजन हमारी जोनल इंचार्ज के रूप में साहब रहते थे। तो मेरे काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस हुए हैं। जैसे दमन में एयरपोर्ट में हम लोगों का एक बार ड्यूटी लगा PM विजिट के टाइम में, तो मैं एक छोटी सी इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। तो पूरे रनवे की जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी अंडर में था, तो सर ने खुद आया और रिहर्सल में भी और एक्चुअल टाइम में भी आके ऑन द स्पॉट ब्रीफिंग किया। हर जगह पे जाके, पैदल जाके हम तीनों ऑफिसर्स सर के साथ जाके हर इंडिविजुअल को हर पॉइंट में जाके ब्रीफिंग किया है। तो मैं जैसे SDPO सर की बातों पे आता हूँ, मतलब इतनी सीनियर लेवल ऑफिसर ग्राउंड में आके पूरी स्पॉट भी ब्रीफिंग करता है, तो उसका मायना मतलब कितना ऊंचा होता है। और जो जवान वहाँ ड्यूटी करते हैं उनका मनोबल कितना अप हो जाता है, क्योंकि जो धूप में, एक बार तो शाम को 7:30 बजे अंधेरे में, तो ऐसे एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ है। तो हमें ये एक लॉस है पुलिस के लिए नहीं है, IRBM के लिए भी, क्योंकि मेरी कमांडेंट से भी ज़्यादा मेरे को या मेरी फोर्स को यहाँ दीव में सर ने ख्याल रखा है। हर बार जैसे मैंने मिला सर को, आज मिला तो आज भी साहब पूछते हैं, सलीम लड़के कैसे हैं, तुम्हारा बैरक में क्या हाल है, कैंप में क्या चल रहा है। और कल वापस सर से मिले, सर यही क्वेश्चन वापस पूछेगा। तो इसका मतलब है हर चीज IRBM को सर ने कभी भी बाहर की फोर्स या दूसरी फोर्स करके हैंडल नहीं किया है। सर ने अपनी फोर्स, मतलब अपने जैसे पुलिस की SP होते हुए भी अपने डायरेक्ट फोर्स को जैसे ट्रीट किया, वैसे ही हम लोगों को ट्रीट किया हुआ। तो हमारे लिए बड़ी लॉस है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्विस में ये तो सबको, मतलब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज हम यहाँ हैं, कल हम दूसरी क्षेत्र में जाएंगे। और मैं इस अवसर पर सर के आगे की कार्यकाल के लिए सभी IRBM की तरफ से बेस्ट विशेस करता हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर।
ये जो बिनो मैं जब ट्रांसफर होकर अरुणाचल से यहाँ पे आया था यूनियन टेरेटरी में, तो उस टाइम लग रहा था कि पता नहीं कैसा पुलिस होगी, कैसा यहाँ के लोग होंगे, ये हो। तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि अभी तक मेरा बेस्ट स्टेट रिजल्ट निकला यूनियन टेरेटरी में, खासकर क्यों में यहाँ के लोग, ऑफिसर्स, स्टाफ, पुलिस पर्सनल, होमगार्ड बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और काफ़ी गलतियाँ रिव्यू जो होती रहती है तो हम उस लाने कोशिश करते रहते हैं। ऑफिसर का काम यही होता है, सीनियर ऑफिसर की, जो सीनियर ऑफिसर को पॉलिश करना है, उसको वो और अच्छा करना है, उसको अच्छा बनाना है। तो वो कोशिश में काफ़ी बार होता है कि डांट पड़ती है, सजा भी होती है, तो फाइनली वो बदला निकलता है पॉलिश होकर वो सब वो प्रॉब्लम्स में से। तो बेसिकली ऑफिसर का काम वही होता है कि बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दे, सपोर्ट करे, सबॉर्डिनेट को वेलफेयर देखे उसका, और उसको एक अच्छा ऑफिसर बनाए, अच्छा स्टाफ बनाए, ताकि वो एक पुलिस फोर्स, एक यूनिफॉर्म सर्विस होती है, उसकी एक वो होती है, एक पहचान होती है, और एक स्वरूप होता है उसकी, उससे काफ़ी लोग एक्सपेक्टेशन होती है काफ़ी लोगों की उससे। तो उसके करने के लिए हमको अपने आप को, सबॉर्डिनेट्स को, सबको अच्छे से रखना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें सिखाई जाती है, सिखाना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस में काफ़ी बार हार्ड फेसेस भी आते हैं, अच्छे फेसेस भी आते हैं, और हर जैसे आपका ड्यूटी होती है, हर एक जैसे कोई अरेंजमेंट होता है कि वीआईपी का या कोई लॉ एंड ऑर्डर का, और या कोई क्राइम हुआ होता है इम्पोर्टेंट, तो वैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पुलिस के लिए, तो हर प्रॉब्लम का अलग ही सोल्यूशन होता है। ये प्रोसेस होती है बेसिकली एक तरह की, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम आती है पुलिस को, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, उसका अलग अलग सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन में काफ़ी बार कुछ नई चीज़ सीखने मिलती है, कुछ पुरानी चीज़ को दोबारा रिपीट करने का मौका मिलता है, तो ऐसे एक चीज़ एक तरह की प्रॉपर ड्यूटी होती है पुलिस की, और ये पुलिस की ड्यूटी का पार्ट ही है बेसिकली। तो हम क्या है ना, हम बेसिकली यूनिफॉर्म सर्विस के हम दिखते हैं रोड पे, पहला इंटरेक्शन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हमसे ही होता है, जो भी लोगों का होता है, तो हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और हमारा जो भी है फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। कभी भी लगता होता है कि यहाँ थोड़ा सा हो जाता है कि यहाँ पुलिस ज़्यादा ही गोरी कर लेती है, वो तो चलो तो एक जनरल है, हर हर जगह पुलिस का ऐसी फेस ऐसी बना रखा है ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारा काम वही है कि हम मैक्सिमम लर्निंग करें, इम्प्रूव करें, अपने आप को कुछ नए नए सीखे चीज़ें सीखे, जैसे किसी को अगर काम करना है किसी बिजनेस पे, किसी को साइबर क्राइम में अगर जाकर काम करना है तो सीखना है, लर्निंग करो उसके, ऐसा नहीं कि मेरे को तो आता नहीं है मैं क्या करूँगा सीखे, तो कोशिश करो उसका इम्प्रूव कर सकते, इम्प्रूव करो, आपके फायदे का ही होगा आगे जाकर, आपको ज़्यादा फिर अच्छे चैलेंजेस मिलेंगे, अच्छा पोस्टिंग मिलेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। तो लर्निंग तो कंटिन्यू रखना होनी चाहिए पुलिस फोर्स में, बाकी अपना जो व्यवहार है डिसिप्लिन है तो करना ही है, तो वर्दी इसलिए पहनी है कि डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन इन्फोर्स करना है, और इंटीग्रिटी मॉरलिटी मेंटेन करनी है, थोड़ी चीज़ें आपको पता ही सब चीज़ें, बस थोड़ा कभी भी आपको याद करना पड़ता है वो चीज़ें। बाकी आप सब सरकारी ऑफिसर, सारे होमगार्ड्स, सारे क्लोज सबॉर्डिनेट, क्लोज सबॉर्डिनेट, आप सबका अच्छा कॉपरेशन मिला मुझे, और मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि मैक्सिमम वेलफेयर करूँगा, मैक्सिमम मैं दूँ स्टाफ को, जो भी इसको चाहिए रिक्वायरमेंट है उसका, जो भी इश्यूज है वो मैं काफ़ी कोशिश की है, आगे भी करते रहेंगे, भेजा भी रहेंगे। बाकी आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और बढ़िया काम करिए, स्वस्थ रहिए, और लाइफ एंजॉय करिए। थैंक यू। What?